कुलपति ऐसे भी हैं जिन्होंने कुलपति बनने के बाद जो कदम उठाया उसकी ना सिर्फ प्रदेश साथ ही साथ पूरे देश में तारीफ हो रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति आर के कोठारी अपनी पूरी तनख्वाह छात्र और छात्राओं की पढ़ाई पर खर्च करते हैं। बच्चे अपनी वीसी को मसीहा मानते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु यानी शिक्षक की महिमा अपार है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। गुरु अंधकार को मिटाकर इल्म की रोशनी जगाता है। आपने कई अधिकारियों कई अफसरों के बारे में सुना होगा जो कि एक रुपए के वेतन पर काम करते हैं या फिर सरकार से तनख्वाह नहीं लेते हैं। लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति के बारे में सुनेंगे तो आप गर्व से सिर उठाकर उन्हें सलाम करेंगे जिनके एक कदम से न सिर्फ सूबे में तारीफ हो रही है बल्कि देश में उनके इस कदम की तारीफ हो रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति आर के कोठारी सरकार से पूरी तनख्वाह लेते हैं लेकिन तनख्वाह का सारा पैसा जरूरतमंद छात्र छात्राओं पर खर्च करते हैं। मेरे तो मैंने कहा मन की भावना यही थी जब ज्वाइन किया, मेरी तो इच्छा एक रुपए महीना लेने की थी लेकिन किसी शुभचिंतक तक ने विचार दिया कि एक रुपए से सरकार पे क्या फर्क पड़ता है, आप वेतन पूरा लें उसको किसी कॉज में लगाएं। तो मेरे को फिर ये कॉज ही सबसे बढ़िया लगा क्योंकि जिन हार्डशिप में मैं पढ़ा तो विश्वविद्यालय ने खूब दिया मुझे, तो इसलिए मेरे मन की भावना यही बनी कि इसी कॉज में मैं इस पैसे को दूं। कुलपति आर के कोठारी ने जुलाई 2017 में पदभार ग्रहण किया और प्रोफेसर आर के कोठारी आर्थिक सहायता कोष की स्थापना की जिसके चलते दो छात्राओं पर एक छात्र को कमेटी के निर्णय के अनुसार छात्रवृत्ति का वितरण करने की योजना शुरू की। 2017-18 में 40 छात्राओं और 18 छात्रों को 3,48,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी गई, तो 2018-19 में 43 छात्राओं और 24 छात्रों को 4,02,000 रुपए की छात्रवृत्ति का वितरण किया गया जबकि 2019 में अब तक करीब 125 छात्र छात्राओं को करीब 2.5 लाख रुपए छात्रवृत्ति के तौर पर वितरित किए जा चुके हैं। सातवें वेतनमान के एरियर के तौर पर प्रोफेसर आर के कोठारी को 11 लाख रुपए मिले। कुलपति आर के कोठारी ने ये पूरी राशि 134 छात्र छात्राओं को बांट दी, मतलब अब तक कुलपति आर के कोठारी 21 लाख रुपए की आर्थिक सहायता कर चुके हैं। पिछले साल करीबन 10 लाख रुपए के आसपास और अभी जो है वो आज मेरे ख्याल में 8.5 लाख के आसपास का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया होगा और जो बचा हुआ 3 लाख रुपए है वो हम एप्लीकेशन को प्रोसेस करा के फिर जो कार्यक्रम है उसको आयोजित करेंगे। और पिछले साल उसी फंड से जो बाल निकेतन हमारा चलता है वहाँ सारी बच्चों को स्वेटर्स हैं वो उस साल के हमने प्रोवाइड किए। कुलपति आर के कोठारी के इस फैसले से अब तक करीब 300 से ज्यादा छात्र छात्राओं को लाभ मिल चुका है और ये छात्र छात्राएं कुलपति आर के कोठारी के इस कदम की खुले दिल से सराहना कर रहे हैं। जो अपनी पढ़ाई पैसे के कारण छोड़ देते हैं या फिर पार्ट टाइम जॉब करके अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं, बट कुलपति जी ने जो शुरुआत की है इससे गर्ल्स एजुकेशन को भी काफी फायदा मिलेगा। उन्होंने अपनी पूरी सैलरी को मतलब खुद के यूज में ना लेकर खुद के लिए बहुत कम बचाकर हमारे लिए 134 स्टूडेंट्स की एजुकेशन में उन्होंने हेल्प की है। उन्होंने हमें ये स्कॉलरशिप दी, उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया ताकि हम आगे और ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त करें। ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत फायदेमंद है और उसको बहुत काम आती है, उसके लिए वो पूरी तरह से धन्यवाद अपना आभार जाहिर करना चाहता है। और फील हो रहा है मेरी सिस्टर पे, उसने बढ़िया परसेंटेज बनाई, उसने महारानी कॉलेज में जो उसका जो लेवल है सेकंड लेवल पे है अभी। बहरहाल अपने 28 महीने के कार्यकाल में अपना पूरा वेतन जरूरतमंद छात्र छात्राओं को देने पर कुलपति आर के कोठारी की तारीफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कर चुके हैं, तो वहीं कुलपति आर के कोठारी दूसरे कुलपतियों के लिए भी एक मिसाल बने।